जोहार साथियों, मैं हूं अंशुल और इंडिजिनस भारत पे आपका स्वागत करता हूं। कई दफ़ा समाज की पीड़ा इतनी विडंबना भरी होती है कि समाज के लोगों को सड़क पे उतर के आना पड़ता है, और जब सड़क पे उतर के आते हैं तो उनकी पीड़ा सुनने के लिए उन भू मालिकों के पास इस प्रकार के बर्ताव होते हैं कि वो सड़क पे ही रह जाते हैं। जो आदिवासी कभी इस ज़मीन का मालिक रहा, जिसके पुरखों ने इस ज़मीन पर राज किया, कुछ समय पूर्व राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत के सम्मान की गाथाओं पे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने मंच से अपनी बड़ी बड़ी बातें रखी, परंतु देखा यह जा रहा है कि उसी समाज की जननी, उसी समाज की महिलाएं अपनी पीड़ा, अपनी संवेदना को लेकर जबलपुर कलेक्टर के पास पहुंची, और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनकी पीड़ा क्या है, उनकी वेदना क्या है। जी, आपका नाम बता दीजिएगा। रमा धुर्वे, समाज सेवी संगठन। क्या हुआ है, किस वजह से आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जिला पंचायत माने गांव में जो क्रेशर लगा कर ब्लास्टिंग की जा रही है, वहां हमें रहने से इतनी परेशानी हो रही है, उठने बैठने खाने से बड़ों बूढ़े बच्चे सब परेशान हैं, क्योंकि क्रेशर चलती है तो दीवारों में वो आती है, लहर आती है कि कहीं गिर ना जाए, दरार वैसे ही आ गई है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, सोते हैं तो ऐसा लगता है कहीं छत ना गिर जाए, और जब सो रात में जैसे सुकून की थोड़ी बहुत नींद सोते हैं तो ऐसा लगता है कि भट्टे की बांध से निकल के आ रहे हैं, पूरा भूरा भूरा उनके शरीर में रहता है, और खाने में भी उनको धूल मिल रही है, हर चीज़ से वहाँ पर वंचित है, वहाँ का आदिवासी समाज इतना वंचित हो गया कहने को, तो वर्तमान सत्ता पर बैठी सरकार बोल रही है हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, आदिवासियों का भला कर रहे हैं, कैसा विकास कैसा भला हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं तो 18 घंटे में क्या ये करते हैं, आदिवासियों का कैसा विनाश किया जाए कि उनको कैसे कैसे उनके नामा निशान मिटाया जाए, आदिवासी समाज के लिए कहां से उनको मतलब इतनी रहती कि आदिवासी को प्रताड़ित किया जा रहा, चाहे शोषण से हो चाहे किसी युवा पीढ़ी से, हर समय आदिवासियों के ऊपर मतलब इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, कब तक हम गुहार लगाएंगे, कब तक हम अखबारों में कहेंगे। इसलिए कहती हूँ मैं सिर्फ इस मीडिया के माध्यम से भी कहती हूँ कि बंद करो ये अत्याचार, ये आदिवासी की ललकार है, अगर अब हमारा बात नहीं सुनी जाएगी तो ये आंदोलन अभी छोटा रूप है फिर बड़ा रूप लेगा, कृपया करके इस आदिवासी समाज को रहने दीजिए सुख शांति से, उनका हक अधिकार, उनकी जल जंगल जमीन उनको रहने दीजिए। वैसे ये माइनिंग जो यहाँ पे हो रही है कब से प्रारंभ हुई है? तो हो गए बहुत साल हो गए माइनिंग के, भूमाफियों का काम है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें। तो इससे पहले कभी कोई शिकायत की गई इस माइनिंग के खिलाफ? शिकायत की गई है मगर आदिवासियों की सुनता कौन है, आदिवासी अगर आया है तो आदिवासी है, एक बार ज्ञापन दे गया बस। जैसे कि देखा जा रहा है कि जबलपुर जिले पे आदिवासी जनप्रतिनिधियों की भी भरमार है, जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके साथ साथ कुछ विधायक भी एक हैं यहाँ पर, उसके उपरांत भी वो आपके आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़े होते? नहीं सर, जब वोटिंग की सब बात आती है ना तो सब हित करने लगते हैं, वोटिंग के बाद फिर आदिवासियों का विनाश कैसा करना है उनका फिर ये साजिश रचने लगते हैं। तो ऐसे समय पे आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या आप जैसे प्रायः देखा गया कि क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम करेंगे। आपका परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय जयंती वाई कोले आदिवासी माने गांव से, बरगी विधानसभा से, हमारे घर के गेर पार खदान खोदी जा रही है, हमारा घर पूरा हिल गया है, हम गरीब हैं, कपड़ा छवा है, सीट छवा है, पर वो भी दो दो टुकड़ों में बट गई है, लकड़ी लगी है वो भी दो दो टुकड़ों में टूट गई है अंदर से, हम गरीब वो हैं जो न खाने का ठिकाने है न रहने का, रहने नहीं दिया जाता है, कृपया सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारा जो घर है गरीबी स्थिति से उसमें कुछ सुनवाई हो और हमें वहां से हटाने की योजना की जा रही है, जो उसमें कुछ कार्रवाई की जाए, बार बार दरख्वास्त लगाया कोई सुनवाई नहीं है, ये हमको कई बार हो गया यहाँ आते हुए। धन्यवाद। सुना था कि बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे भी आपके साथ आए, गुड़िया थोड़ा आ जाइए, जरा आ जाइए, क्या क्या समस्या आ रही है आपको वहाँ पढ़ने में, क्या आप बता सकते हैं? पानी भर जाता है स्कूल में और पानी भी आती है खिड़की में, स्कूलों थोड़ा जोर से बोलिए ना। अच्छा, जैसे वहाँ स्कूल वगैरह सुविधाएं हैं? हाँ। कहाँ तक पढ़ाई होती है? बारहवीं तक। बारहवीं तक? क्या वहाँ टीचर रेगुलर आते हैं? हाँ आते हैं कभी कभी आते। अच्छा, पाँचवीं तक है स्कूल? अच्छा, पाँच पानी भर जाता है। अच्छा, बरसात में क्योंकि वहाँ पे पूरा छत ब्लास्टिंग हो के पूरा दरार आ गया हो उसमें,
तो पूरा पानी भर जाता है, बच्चे वहाँ पे साइड में होके कहीं किनारे बैठते हैं, बैठने के लिए जगह ही नहीं बचता वहाँ पे। अच्छा आप जाता तो बच्चे सब बाहर आके सब छुट्टी कर देते, माँ साहब लोग वहाँ पानी भर जाता, क्या करेंगे पढ़ा के। आपने सुना है सरकार के यहाँ पे जो अमृत काल चल रहा है, ये इस अमृत काल पे सरकार तो कह रही कि आदिवासियों के लिए उसने एक विशेष योजना चलाई हुई है जिसके अंतर्गत आदि आदर्श ग्राम योजना उसने चलाई हुई है, जिसमें सरकार ने 13 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। तो आपके यहाँ पे अगर आदिवासी सरपंच है तो क्या आपके जनहितकार के लिए क्या वो 13 लाख करोड़ रुपये में से कुछ पहुँचा है? अभी तक तो कुछ नहीं आया, कुछ बताते ही नहीं है सचिव सरपंच, कुछ आते भी हैं तो बस घूम घाम के चले जाते, कुछ बताते ही नहीं है वहाँ पे। तो जिस प्रकार से आप लोगों को सरपंच चुनने का अधिकार मिला है तो उसको हटाने का भी आप लोगों को अधिकार मिला है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप लोग क्या हटाने में असमर्थ हैं उन्हें? अब ये तो आप सभी गाँव वालों को मतलब ऐसा कि बताना पड़ेगा सब। बतौर सरपंच क्या आपके यहाँ पे आपके वहाँ पे ग्राम सभाएँ आयोजित होती है? ग्राम सभाएँ होती हैं, क्या इस मसले को कभी आपने ग्राम सभा में रखा? नहीं, इस बात को तो हम हालांकि बोले हैं, पर क्या है यहाँ पे बातचीत हो गई, जैसे 4 आदमी खड़े हैं बस सुनते हैं बस चले जाते हैं, हाँ हाँ बस बोल देते हैं, यहाँ करवा देंगे, ऐसा लाभ मिलेगा आपको वैसा मिलेगा, कोई भी अधिकारी आता है तो फिर बाद में सब शांत हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर काफ़ी सारी माताएँ हैं और हमारा इंडिजिनस भारत के माध्यम से समाज की जो एक्चुअल वेदना है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया में 30 सेकंड की क्लिप आती है परंतु वेदना नहीं आती है। जो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पीड़ा को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सामाजिक गण हैं, उन सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पीड़ा को पहुँचाएँ कि जो लोग अलग अलग क्षेत्रों पर जबलपुर के कसीदे कसते हैं, जो लोग अलग अलग क्षेत्रों पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को आयोजित करते हैं, जो लोग बिरसा मुंडा की बलिदानी गाथा पे बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, वो लोग उस हिपोक्रेसी से, उस दिखावटी दुनिया से बाहर निकल के ज़मीन में जो आदिवासियों के साथ जो पीड़ा है, उनके संस्कृति का संरक्षण, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनका आर्थिक और नैतिक विकास और मुख्य धारा से बचाने का प्रयास, इन सभी बिंदुओं को लेके प्रयास किया जाना हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ इंडिजिनस भारत में मैं अंशुल शाह मरकाम, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, मैं धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसे देश भर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सेवा जोहार।